रॉकी को ये नहीं पता कि मर्द ब्रा की शॉपिंग कर सकते हैं, बड़ा शेम। और सबसे बड़ा शेम, ओहो, रॉकी को इंग्लिश नहीं आती, अब तो फॉर श्योर रॉकी कैंसिल। Hey guys, what's up? Welcome back to a brand new vlog. Sunday अपनी सुबह शुरुआत हो चुकी है। मैं सो के उठ गया था, बट मैं आज जस्ट वन ऑफ दोज डेज, यूजुअली ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मैं जब भी उठता हूँ तो मैं तुरंत बेड से बाहर निकलता हूँ। आज ऐसा था कि मैं बहुत देर बेड पे पड़ा रहा एंड रील्स स्क्रॉल कर रहा था, विच इज नॉट अ रियली हेल्दी ऑप्शन, बिकॉज आई रिमेंबर पहले मेरी हैबिट थी कि मैं सुबह उठ के ना फ़ोन वोन यूज़ नहीं करता था, कुछ पढ़ता था और तभी फ़ोन पे लगता था। अब वो आदत तो लॉन्ग टाइम इट्स गॉन, बट स्टिल आई प्रेफर कि एकदम सुबह सुबह पहली चीज़ एकदम अलार्म बंद करने के बाद ऐसे फ़ोन ज़्यादा यूज़ ना करो। बट टुडे वॉज वन ऑफ दोज डेज वेयर आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स एंड टेकिंग इट ऑल इन अर्ली इन द मॉर्निंग। बट तुम्हें क्या, तुम्हें तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी मैं जल्दी से नहाने जाता हूँ और फिर तुम लोगों से आगे बात करता हूँ, ठीक है? चलो। अभी यार मैंने ना एक वीडियो देख ली छोले भटूरे की, दिल्ली में वो छोले भटूरे और तल रहे थे, खा रहे थे। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी क्रेविंग हो रही है छोले भटूरे की। बहुत ज़्यादा मन हो रहा है यार, पर हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, हम ही अंग्रेजी खाना खाएंगे यहाँ पे। आज बढ़िया एकदम खुश हूँ मैं, क्योंकि जहाँ कैफ़े में मैं जाता हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, वहाँ पे ना कार्ड मिलता है। तो कार्ड में ऐसा होता है कि 11 कॉफ़ी पीने के बाद वो पंच करते रहते हैं, 11 के बाद जो 12वीं कॉफ़ी होती है वो फ्री होती है। तो आज मेरा 12वीं कॉफ़ी का डे है। अब देखो तुम, आज मैं रोज़ यूजुअली मैं लेता हूँ स्मॉल हॉट मोका, आज मैं लूँगा लार्ज हॉट मोका विद एक्स्ट्रा कॉफ़ी शॉट। ठीक है ना, पैसे तो वसूले हैं। Can I have a large hot mocha with extra coffee shot? Yes. Thank you. Regular, right? Yep. मुझे अभी ध्यान आया कि आज मेरा पार्ट टाइम जॉब स्टैंड बाय पे है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि अगर उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो ही मुझे बुलाएंगे, पर मेरे को उस टाइम पे फ्री रहना पड़ेगा 5 से 9 के बीच शाम को। तो माइंड में ना हमेशा एक टेंशन रहेगी कि अगर कभी भी बुला लिया तो, मतलब ना ही मैं कुछ और प्लान बना सकता हूँ। आई विल हैव टू सिट एट होम फ्रॉम 5 to 9, अगर उनने तब नहीं बुलाया मतलब आई एम फ्री। आई नो बहुत ही अजीब स्टूपिड लॉजिक है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वो भी दिमाग में लेके चलना है। मैं डॉग्स देखता हूँ ना, मेरा मन करता है उनको पकड़ के जो कुछ 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 करके प्यार कर दूँ एकदम, बट फिर यहाँ पे मालिक लोग ऐसे थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, पर मन तो मेरा करता है कि चुप चुप, समझ रहे हो ना। एक तो स्वेटर पहन रखा था मैंने, बट अचानक से इतनी गर्मी हो गई, न्यूयॉर्क वेदर अनएक्सपेक्टेड एज ऑलवेज। From now on, it'll be 50 push-ups each morning, 50 pull-ups. There'll be no more pills, there'll be no more bad food, no more destroyers of my body. From now on, it'll be total organization. Every muscle must be tight. It's been almost 2 weeks since I'm daily vlogging. बोलते हुए मतलब अभी भी it feels unreal, but also good at the same time. But also, रोज व्लॉग करने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो सिस्टम है ना लाइफ का पूरा, वो इधर उधर उथल पुथल हो जाता है। मेरे लिए अभी जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो है मेरी डाइट और वर्कआउट रूटीन। अब तुम लोग को बताया कि मैं 100 पुशअप्स रोज मार रहा हूँ, वो अभी भी चल रहा है, दैट इज स्टिल ऑन, बट आई बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, लाइक बिफोर दिस आई वॉजंट रियली ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक। मैं बहुत हेल्दी डाइट पर था और मैं वर्कआउट पर बहुत रेगुलर था, बट अभी सब एकदम बिगड़ गया and I need to get back, and I've been thinking about it because my energy level is getting affected, mera confidence is getting affected, like dikhne mein koi difference nahi hai but internally you know you feel ki yaar ek hota hai ki tum jab kachra khate ho na, tumhe andar se feel hota hai kachre jaisa, if you know what I mean, and when you eat healthy tumhe bahut acha feel hota hai ek andar se, it's all inside your body a lot of times. So I need to get back on my workout, I need to get back on my diet, and that's why I've decided that for the next 21 days starting tomorrow, I'm gonna follow a good diet and I'm gonna work out every single day. And by every single day, I mean every single day. I need to work out, and I thought ki ye vlog
आई थॉट कि ये व्लॉग कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी राइट टू जस्ट कीप मी इन ट्रैक कीप मी इन डिसिप्लिन एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. आई एम गोना डू द 21 सॉफ्ट चैलेंज नॉट अ हार्ड चैलेंज नॉट द 75 हार्ड चैलेंज बट ऑल्दो दैट गाय इज रियली इंस्पायरिंग. आई एम जस्ट गोना गिव माई सेल्फ अ गोल of 21 days and for 21 days I need to work out every single day. I need to eat good food, like only good food, and I need to cut off all the bad substances, be it food, be it drinks, be it anything. I just need to cut them all off for the next 21 days starting tomorrow, which is the 2nd October. Camera ke samne ye baat isliye kar raha hu just so I can keep myself ek accountability rahe ki ha bhai maine bola hua hai wo mere ko karke dikhana hai. और तुम्हें थोड़ा मेरा पैटर्न भी पता लगेगा बिकॉज दिस इज सो मी लाइक आई डू दिस थिंग एंड आई एम डिसिप्लिन आई एम वेरी डिसिप्लिन व्हेन आई एम नॉट डिसिप्लिन एट ऑल बट नाउ आई फील इट्स द टाइम एंड आई नीड टू बी डिसिप्लिन. और मेरा ये फेज आता रहता है जैसे कभी होगा 2 महीने में एकदम बढ़िया डिसिप्लिन चलूंगा फिर वो डिसिप्लिन बिगड़ेगा ड्यू टू वट एवर रीजन एंड देन 2 महीने बेकार चलेगा फिर आई विल गेट बैक एट इट. तो अभी आई एम गोना गेट बैक एट इट एंड आई एम गोना कीप यू गाइज अपडेटेड एवरी सिंगल डे. आज से चालू मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बताया ना अभी मेरे को पार्ट टाइम शिफ्ट पे डाला हुआ है उन्होंने कि सॉरी स्टैंड बाय शिफ्ट पे डाला हुआ है मेरी पार्ट टाइम जॉब में. तो आई एम नॉट श्योर इफ दे गोना कॉल मी और नॉट बट एनीवे आई विल हैव टू स्टे एट होम बिकॉज 5 से 9 के बीच कभी भी ऐसा हो सकता है लाइक दे कैन ईमेल मी एंड दे कैन से लाइक कम. अगर 9 बजे तो कोई ईमेल नहीं आया दैट मीन्स लाइक आई एम ऑफ द हुक. तो आज मैंने दे दिया अपने आप को कि अगर मेरा कुछ भी जंक खाने का मन है आई विल ईट इट टुडे एंड फ्रॉम टुमारो व्हिच इज मंडे आई डोंट हैव ग्रोसरीज आई नीड टू गेट ग्रोसरीज एंड आई नीड टू जस्ट स्टार्ट ईटिंग हेल्दी एंड गुड फूड. अब देखो ऐसा भी होगा कि मैं बहुत बार बाहर रहूंगा तो मैं घर पे नहीं बना पाऊंगा बट बाहर भी आई हैव टू मेक हेल्दी चॉइसेस एंड आई नो लाइक आई ईट अ लॉट ऑफ नाया व्हिच इज लाइक वेरी हेल्दी. मेरे को देखो कार्ब्स वॉब्स की कोई कमी नहीं है मैं भर के कार्ब्स खा सकता हूँ क्योंकि मैं उसको पचा सकता हूँ. All I need to do is stick with healthy diet and not eat junk and most importantly is work out every single day. क्योंकि मेरे लिए ना diet और workout दोनों side by side run करता है. एक भी चीज मैसअप होती है ना तो दोनों मैसअप हो जाते हैं. और मैंने सोचा कि अगर अभी मैं ये करूंगा तो हो सकता है मैं तुम में से भी किसी को इंस्पायर करूं कुछ अच्छा करने के लिए वर्कआउट करने के लिए. ए मजे आ गए अभी आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम वर्क. जैसी मैंने पिछली क्लिप एंड करी अभी मैंने देखा ईमेल आया कि आज हमें आपकी जरूरत नहीं है तो मैं स्टैंड बाय शिफ्ट से हट गया. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग ऑन द स्टैंड बाय शिफ्ट इज यू स्टिल गेट सम मिनिमम पे. तो आई एम गेटिंग पेड एंड आई डोंट नीड टू गो टू वर्क. पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका टाइम होल्ड करके रखते हैं ना आप ये अनसर्टेनिटी में रहते हो बट आई एम हैप्पी बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने मुझे नहीं बताया था 8:45 तक. इस बार अभी 4 बज रहे उन्होंने मेरे को ईमेल कर दिया दैट मीन्स आई एम फ्री एंड आई कैन फाइनली एंजॉय माय डे एंड आई एम स्टिल गेटिंग पेड. तो अब मेरा जो भी कुछ जंक खाने का मन है वो मैं आज खाऊंगा जिससे कल से कुछ ऐसे अरमान ना रहे बच्चे हुए. सो लेट्स सी. मैंने क्या अपने दोस्तों को भी स्टैंड बाय पे रखा हुआ था प्लान्स के लिए. मैंने बोला देखो काम पे जाना हो सकता है अगर नहीं हुआ तो बाहर चलेंगे. अब प्लान बन चुका है बढ़िया खाने के लिए जा रहा हूं कैफे में. मैंने बोला देखो आज रज के खाना है क्योंकि कल से डाइट चालू है तो जो भी मेरा मन है खाने का आज वो दबाऊंगा. यहाँ पे कुछ चल रहा है गाइस ये पूरी स्ट्रीट जो है ये बंद करी हुई है. सम न्यूटेला पैनकेक्स एंड सम पास्ता पास्ता पास्ता. आई प्रॉमिस यू गाइस कल से डाइट पक्का बट आज I'll be honest with you. The pancake is really nice, but the pasta is बहुत ही बकवास कचरा एकदम. पैसा बर्बाद पास्ता ऐसी. What else? Rocking on the other side. Nice. I like. मैं तो बोल रहा हूँ मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ. कोई और मुसीबत भी है तो मेरे गले आके पड़ जाए पैन. आंटी मैं दिल्ली से हूँ मैं कैसे ना बोलूँ पैन दी. अब आप बोलोगे रॉकी को ये नहीं आता व्हाट अ शेम. रॉकी को ये नहीं पता कि मर्द ब्रा की शॉपिंग कर सकते हैं व्हाट अ शेम. और सबसे बड़ा शेम ओ हो रॉकी को इंग्लिश नहीं आती अब तो फॉर श्योर रॉकी कैंसिल. स्मॉल माउथ बिग टॉक आंटी. पर अगर हम इतनी जल्दी सबको कैंसिल करने लगे ना तो इस दुनिया में कोई कुछ सीख नहीं पाएगा.
सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि पास्ता बहुत ही बेकार था, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सेवन स्ट्रीट बर्गर का इम्पॉसिबल वेजिटेरियन बर्गर और फ्राइज। मुझे पता है पिछले कुछ क्लिप्स में तुमने बहुत सारा खाना देखा है, गाना बोल रहा था मैं, और इससे पहले तुमने मेरा बहुत सारा ज्ञान सुना है, बट दिस इज अगेन मी। मेरे को जब भी डाइट पे जाना होता है, एक स्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जाना होता है, उससे पहले जो मेरा मन करता है, जो भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए मैं क्रेव करूंगा, मैं वो सब खाता हूं। ओह बाय द वे, चीटोस भी खाया मैंने। यूजुअली मैं चिप्स खाता नहीं हूं, पर क्रेविंग हो रही थी। ऐसा ही अपना। अब मैं ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, बस ये आखिरी क्लिप है जो मैं डालूंगा, और आज रात को ही करके सोऊंगा, जिससे कल जब मैं उठूँ तो व्लॉग एडिट की टेंशन ना रहे। बट तुम्हें अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में ना थोड़ी मोटिवेशन दे के जाना मुझे। अभी देखो, मुझे पता है मैं रात को सोते लेट हो गया, तो कल सुबह उठूंगा, पहला दिन है नए रूटीन का, अपना एक्सरसाइज वर्कआउट वाले रूटीन का पुश करना पड़ेगा मुझे, बट पहले भी करा है, फिर से करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो लाइक सब्सक्राइब कमेंट, बाय बाय बाय।